क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मरीश भदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के बक्सर में नगर के बंगला घाट में रहने वाली गरिमा लोहिया ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूरे देश स्तर का दूसरा स्थान प्राप्त किया है और उनके सफलता पर न सिर्फ उनके परिवार और उनके जानने वाले बल्कि पूरे बक्सर वासियों में हर्ष का माहौल है। वहीं उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सभी उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर बक्सर का नाम रोशन किया गया बच्ची में, और बक्सर की बच्चियों के लिए एक उदाहरण पेश किया जो आज तक ये कहती थी कि दिल्ली और बॉम्बे और कोलकाता और जाके हम कोचिंग करेंगे, बक्सर में रह के पढ़ के और UPSC क्रैक करना ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और बक्सर को हिंदुस्तान क्रैक करना कोई भी व्यक्ति अगर स्वाध्याय करे और बढ़िया से तैयारी करे तो वो सफलता से जरूर प्राप्त करेगा। घबराना नहीं चाहिए और असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सके। जो अव्वल रैंक लाई है वो कौन है आपकी? हैं, मेरी पोती है। क्या नाम है उनका? गरिमा लोहिया। सर की हमारी बेटी कम से कम भारत में परचम लहराई है और इस स्थान को प्राप्त करना ही गौरव की बात है बक्सर के साथ साथ बिहार के लिए। कई वर्षों से इस स्थान को प्राप्त करने का अभी जो गौरव प्राप्त हुआ इससे अपार खुशी हो रही है हम लोग के परिवार और पूरे बक्सर सहित बिहार के लिए कि सेकेंड स्थान भारत में प्राप्त करके गरबा ने जो गरबा का अपना इतिहास बनाया है इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आपको क्या जितना अच्छा रैंक आया है सर, इसका श्रेय कितना है मैम जाता है? इसको श्रेय जाता है? पूरे परिवार को जाता है, मेरी मम्मी को जाता है, सबने बहुत मेहनत की है मेरे साथ तो सबको पूरा श्रेय जाता है। ऐसे छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स मेहनत करिए और असफलता आएगी बीच में, बट फिर भी उसके बाद भी मेहनत करिए और एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और बिना नियम के चलने वाले अल्ट्रासाउंड के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में जिले भर में लगभग 28 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील कर दिया गया जो कि अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। उसको लेकर मुजफ्फरपुर में कुल 19 टीमों का गठन किया गया और सभी प्रखंडों में कार्रवाई करेगी। साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मुजफ्फरपुर 28 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वरीय प्रभारी जो प्रखंड के डिप्टी कलेक्टर हैं वो उसका टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ के BDO, CO और मेडिकल ऑफिसर और वहाँ के डॉक्टर्स उस टीम में हैं। उसके साथ ही साथ नगर क्षेत्र में एक टीम जूरन छपरा और आसपास के इलाकों के लिए SDO ईस्ट के नेतृत्व में, एक टीम मेडिकल कॉलेज के आसपास में SDO वेस्ट के नेतृत्व में और एक टीम बाकी रेस्ट बचे हुए जगहों के लिए गठित की गई है। ये 1900 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कल भी हम लोग कुल 28 ऐसे गड़बड़ी करने वाले सेंटर्स को हम लोगों ने सील किया है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी अवैध सेंटर चल रहे हैं या जो सेंटर जो PCPNDT एक्ट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के कोई भी टॉलरेंस प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से इसके लिए काम कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है जहाँ एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल घटना औराई थाना क्षेत्र से, जी हाँ, भतीजे ने अपने ही बुजुर्ग चाचा को पीट पीट कर हत्या कर दी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि हत्या की वजह का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका।
वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। कल हमारे बड़े भाई साहब का मर्डर हुआ है, तो कल शाम में आए दिल्ली से 5:30 बजे, और भतीजा से कोई बात विवाद हुआ होगा आपस में, इसके बाद वो रात में मार दिया। क्या नाम था जिनका हत्या किया गया है? चंद्रेश्वर ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? और आई थाना बसुआ गांव। कितना उम्र होगा? 70 के आसपास। शादीशुदा थे? हाँ, 3 लड़का है, 2 लड़की, शादीशुदा है। बहुत करके मार दिया उसको। ईटा से भी तो कुछ के मारने के बाद सामने आया? हाँ, ईटा भी वहीं पर रखा हुआ था, आसपास में उसका ईटा पे ही गिरा हुआ था वो, और साइड में मतलब उसके बगल में सुंदरकांड हो रहा था, इसलिए लोग उस पर मतलब के देख रेख नहीं हुआ उसका। और वहाँ उसके घर के आगे जंगल सब है, आम का पेड़ा सब है, उसमें मतलब कि गिरा हुआ था। क्या कुछ मामले में कार्रवाई की गई? कार्रवाई की, हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में नालंदा जिले के अंतर्गत हिलसा थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव निवासी मुन्ना प्रसाद के बेटे की सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर धर्मपुर गांव के समीप शव रखकर हिलसा पश्चिम बाईपास को जाम कर आगजनी करते हुए जमकर बवाल काटा। वहीं करीब 2 घंटे तक सड़क जाम के बाद प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दक्षिण साइड से ट्रक आ रही थी, बालू लोड ट्रक, ठीक है, रोड पार करते भर में ट्रक तेज गति में थी और आवर में लड़का का साइकिल से जा रहा था, ट्रक वाला रोड क्रॉस करते आवर में धक्का लग गया। इलाज चल रहा था, इलाज के लिए इसको यहाँ हिलसा रेफर, हिलसा अनुमंडलीय हॉस्पिटल से रेफर हो गया पटना के लिए। आज वो लड़का गेट के कर गया। उसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। मुआवजा की मांग है। मुआवजा की मांग है, प्लस साथ साथ दोनों साइड ब्रेकर का मांग है। गाड़ी का गति बहुत तेज रहता है। हिलसा पश्चिमी क्षेत्र बाईपास पर ट्रक के चपेट में आ गया। चाची से जा रहा था, साइकिल से। तो क्या हुआ? वो ट्रक वाला समेट लिया और लपेट लिया। ट्रक वाला पकड़ाया है, ट्रक जब्त में है अभी थाना के हवाले में। बच्चा तो वहाँ से हम लोग के सूचना मिला, आए घर से, उसको बाद सूचना कैसे मिला आप लोग को? बिहार के सहरसा में आधे घंटे की हुई बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है और शहर के मुख्य सड़क हो या गली मोहल्ला, सभी जगह जगह जल भराव की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। साथ ही लोग अपने ही घर में कैद हो चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले ही तैयारियां कर लेता तो आज यह नौबत देखने को नहीं मिलती।
कभी भी अनहोनी घटने की संभावना है। शहर बर्बाद हो चुका है, हर गली हर मोहल्ले हर चौक चौराहे पे ठोंगे भर पानी है, लोग निकल नहीं सकते हैं। एक जल कैदी के रूप में हम लोग बन चुके हैं इस मोहल्ले के। क्या कहना चाह रहे हैं संबंधित विभाग को, किस तरह से काम करना चाहिए? बार बार विभाग को खबर किया जा रहा है कि मोहल्ले का कम से कम पानी का व्यवस्था ठीक किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रोज आते हैं, रोज देखते हैं, ना हम लोग निकल सकते हैं ना रह सकते हैं, ये स्थिति बन चुकी है। घर मोहल्ले गली घर तक पानी घुस चुका है। किस जगह ज्यादा समस्या हो रही है जल जमाव? जितने भी आपको जैसे आइए, 15 नया और 32 वार्ड का मेन रोड है। आपको बताते कि सुपरमार्केट, गर्ल्स स्कूल, महिला कॉलेज, दो दो बच्चों का स्कूल है इस गली में, तब ये हाल। और बीच मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और स्कूल में नगर परिषद है, वो आप देख ही रहे हैं जो क्या स्थिति है हमारे पीछे है। और जल जमाव से हर मोहल्ला का यही हाल है, कचरा और जल जमाव। अभी आप किसी मोहल्ला घूमिएगा तो जाने की स्थिति में नहीं है। आखिर किस तरह से तस्वीर बदलेगी, संबंधित विभाग को क्या करना चाहिए? संबंधित विभाग को योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए और यहाँ के आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए। इस बार मौका मिला है जो पब्लिक किसी को चुने, किसी ऐसे व्यक्ति को लाए जिस जो काम करे। बिहार के भागलपुर के सबौर कॉलेज का औचक निरीक्षण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया है। वहीं क्लासरूम छात्रों की उपस्थिति और छात्र छात्राओं के हो रहे क्लास को लेकर कुलपति ने जानकारी हासिल की और निरीक्षण के दौरान कुलपति ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक एक तो आते नहीं हैं और जो आते भी हैं वो बच्चों को पढ़ाई नहीं ठीक से कराते, तो कहीं से भी उचित नहीं है वो। तो वो पढ़ाई लिखाई का वातावरण मैंने मैडम को कहा कि आप ठीक कीजिए, खासकर जो अभी जो जून से जो एडमिशन हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 75% अटेंडेंस जरूरी है, अगर नहीं होगा तो उन छात्रों को नाम काट के हटा देना पड़ेगा, इसलिए रेगुलर क्लास चाहिए। मैंने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों की कमी है आप हमें सूचित करें और हम लोग जो ये करने वाले हैं टीचर, कौन टीचर बोलते हैं, गेस्ट टीचर, गेस्ट टीचर की बहाली करेंगे, उसमें प्रायोरिटी करके जो शिक्षक हैं वो हम यहाँ पर देंगे। छात्र छात्राओं की उपस्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, इतना बड़ा जो ये बिल्डिंग बना हुआ है। इस खबर पर संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, कॉलेज की स्थिति को देखकर कुलपति हैरान है और शिक्षकों को डांट भी लगाई, क्या पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल मनीष, बता दें कि भागलपुर विश्वविद्यालय के सबौर कॉलेज सबौर में कल कुलपति का औचक निरीक्षण था, जिसमें कुलपति ने बताया कि इस कॉलेज में किसी भी प्रकार की जो भी व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से नहीं है। और इसमें जो प्राचार्य महोदया थी उनके रूम, जब उनके रूम का निरीक्षण किया गया तो मालूम उसके रूम से जो बदबू आ रही थी उसको देख करके कुलपति पूरा गुस्सा हो गए। उसके बाद जाकर के फिर जब बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण कॉलेज का निरीक्षण मोबाइल के लाइट से हुआ और साथ ही उन्होंने कहा कि जो 75% हाजिरी होगा बच्चों का उन्हीं को कॉलेज में नामांकन रखना पड़ेगा और अगर नहीं वो 75% अटेंडेंस करते हैं तो उनका नाम काट करके निकाल दिया जाए। साथ ही रूसा ने जो एक करोड़ रुपए इनको दिए थे उन्होंने भी 1 रुपए उसमें से खर्च नहीं किए, उसको लेकर के भी कुलपति जो है काफी नाराज दिखे। तो कुलपति ने इस पे किन को टीचरों को क्या फटकार लगाई है और इस पे क्या आदेश दिया? जी बिल्कुल, कुलपति ने आधा दर्जन शिक्षकों को तो कॉलेज से बाहर कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया गया प्लेसमेंट के रूप में। उसके बाद जाकर के उनका जो है 1 दिन का वेतन रोक दिया गया है, साथ ही उनको उचित कार्रवाई की जाएगी ऐसा उन्होंने कहा है। ये नीतीश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल बिहार की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in
देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून।